In this video we will see how to create and how to run first Java program. So first of all open notepad file. तो Java का कोई भी program होता है वो class में बनता है. तो let us create a class demo. उस class के अंदर main है public static void main और main जो है वो string type array का एक argument लेता है. तो first of all पहले इसको explain करें. पब्लिक मीन्स इट इज़ एक्सेसिबल एनीवेयर, पब्लिक है. स्टैटिक का मतलब है कि ये जो मेन है ये हम एग्जीक्यूट करवाएंगे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए बिना. तो स्टैटिक जो एक्सेस होता है वो ऑब्जेक्ट बनाए बिना ही हो जाता है. स्टैटिक पे क्लास लेवल का एक्सेस होता है. वाइड मीन इस मेन, ये मेन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा और ये आर्गूमेंट्स ले रहा है स्ट्रिंग टाइप का एरे. ये किस लिए है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ये होता है अगर हमने कमांड लाइन के थ्रू आर्ग्यूमेंट्स देने हो. तो मेन बना लिया. तो फर्स्ट प्रोग्राम में हम जस्ट एक मैसी प्रिंट करवाते हैं. तो मैसी प्रिंट करवाने के लिए सिस्टम क्लास के अंदर एक इनर क्लास है आउट, उसका एक मेथड है println. println जो है वो मैसी प्रिंट करवाने के लिए यूज़ होता है. प्रिंट मेथड यूज़ होता है अगर हमने सिंपल मैसी प्रिंट करवाना है और println अगर हम यूज़ करेंगे तो वो नेक्स्ट लाइन में मैसी प्रिंट करेगा. तो ये हमने एक क्लास क्रिएट कर ली. अब इसको सेव करना है तो कंट्रोल एस किया. तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने जावा का पाथ जो ऑलरेडी सेट कर लिया है. अब हम ये प्रोग्राम कहीं पे भी सेव कर सकते हैं. तो मैंने ई ड्राइव में जावा प्रोग्राम्स का फ़ोल्डर बनाया है. तो उसमें मैंने इस प्रोग्राम को सेव करना है. एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जिस क्लास में आपने मेन बनाया आपने डेमो क्लास में. तो इस प्रोग्राम को सेव करना है demo.java. तब ये प्रोग्राम सक्सेसफुली सेव हो गया. कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है. रन कमांड के थ्रू आपने कमांड प्रॉम्प्ट में गए तो यहाँ पे आपको वो पाथ देना पड़ेगा यहाँ पे आपने प्रोग्राम को सेव किया था. तो प्रोग्राम को आपने सेव किया था ई ड्राइव में जावा प्रोग्राम्स. तो चेंज डायरेक्टरी की CD जावा प्रोग्राम्स में गए तो ये आप उस पाथ में चले गए. यहाँ पर आपका ये प्रोग्राम पड़ा है. तो प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए javac, प्रोग्राम का नाम है demo.java. तो अगर तो यहाँ पे कोई एरर होता तो एरर आ जाना था. अगर एरर नहीं आया तो सक्सेसफुली ये यहाँ पे नेक्स्ट लाइन शो कर देगा. फॉर एग्जांपल सपोज करो प्रोग्राम में एरर है, हमने सेव किया. जितनी बार प्रोग्राम को सेव करोगे उतनी बार आपको कंपाइल करना पड़ेगा. तो फिर से कंपाइल किया तो देखो सेमीकोलन एक्सपेक्टेड एक एरर आ गया. तो हमने फिर से सेमीकोलन डाला, फिर से सेव किया, फिर से रिकम्पाइल किया. तो javac demo.java. तो अब ये प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है. तो जैसे ही प्रोग्राम कंपाइल होता है उसकी क्लास फाइल बन जाती है. तो ये आप देख सकते हो ई ड्राइव में डेमो की क्लास फाइल बन गई. अब हमने इसको रन करना है. ये जो क्लास फाइल बनी है इसको हम बाइट कोड भी कहते हैं. ये जो क्लास फाइल बनी है अब इसको रन करना है. तो उसके लिए जावा क्लास का नाम जावा डेमो. तो एंटर करोगे तो प्रोग्राम की आउटपुट आ जाएगी हेलो. तो फिर से रिपीट करता हूँ. क्लास बनानी है, उसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, उसके अंदर आपके प्रोग्राम का जो कोड है वो आ जाएगा. तो इस प्रोग्राम में हमने सिंपल एक मैसी प्रिंट करवाया है. तो system.out.println यूज़ होगा मैसी प्रिंट करवाने के लिए. प्रोग्राम को सेव किया हमने ई ड्राइव में जावा प्रोग्राम्स में जो भी इस क्लास का नाम है उसके साथ demo.java. रन करने के लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट में गए. तो कमांड प्रॉम्प्ट में हमने जावा पहले तो उस पाथ में गए, ई ड्राइव में गए, CD जावा प्रोग्राम्स में गए. उसके बाद उस फोल्डर के अंदर जाके javac demo.java एंटर किया, कोई एरर नहीं था. अब उसका बाइट कोड बन गया तो उसको हमने बस एग्जीक्यूट करवाना है. तो जावा स्पेस दे के डेमो एंटर किया तो प्रोग्राम की आउटपुट आप देख सकते हो हेलो. तो प्रोग्राम की आउटपुट क्या थी हेलो. तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमने यूज़र से कैसे इनपुट लेनी है. देखने के लिए थैंक यू. अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो.